ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। बचपन में मेरा फेवरेट गाना था ये, पर अब कभी कभी सोचता हूं कि अगर जय और वीरू दोनों को बसंती से प्यार हो जाता तो भी ना टूटती क्या वो दोस्ती। भसड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, अब आओ घंटे भर में सुलटा लेते हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं। बोल ना, क्या बात है? देखी जा भी, बोल दे। यार मैं प्यार करने लगा हूं तेरे से। क्या? देख, I know तू मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ थी और इसका बहुत गिल्ट भी है मुझे, पर ये भी यार फीलिंग है आगी भैंस की आग, मर जाऊंगी यार, के करूं? देख और कुछ तो पता नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं मैं हमेशा खुश रखूंगा तुझे कांचा। कट कट कट, सब कुछ इतना नेचुरल आ रहा था, मधु का आकांक्षा बोल के पूरे सीन की मैया चो। कोई बात नहीं, एडिट पे डब लेंगे। ओके अगला शॉट लगाते हैं, सामान पीछे करो, खुद कर ले। क्या सीन है भाई, एक्टिंग की क्लासेस व्लासेस ले रहा है क्या? बेंचो इतना नेचुरल कैसे कर रहा है तू? काश एक्टिंग ही होती। क्या? मेरी एक्टिंग छोड़, तू नू बता तेरा की ड्रामा चल रहा है। कौन सा ड्रामा? ना कदे तुनू कवे आकांक्षा ते प्यार करूं, कदे तुनू कवे रिनी ते शादी करनी है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे ते फाइनल नू बता दे भाई तू। शांत भीम शांत। अच्छा पहले तू मुझे ये बता कि मेरा कुछ भी फाइनल हो तू क्यों परेशान हो रहा है? यार बक्सो दी मना करे, एक बात आज तू मेरे ते फाइनल कर दे, तू रिनी ते शादी करेगा या नहीं, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली बता दे भाई मेरे ते। यार ये क्या हर दूसरे दिन तू यही सवाल पूछता है? मैंने तुझे पहले भी तो बताया है कि मैं रिन्नी से ही शादी करूंगा। पक्का? देख फिर अपनी बात तो पलटियो मन्ना। हाँ नहीं पलटूंगा, पर पलट भी सकता हूँ अगर तू मना कर दे तो। तुझे पता भाई के लिए जान भी हाजिर है। यार यार ये भाई भाई वाली बात मन्ना करे, ला सिगरेट दे। देख रहा हूं मैं कुछ दिन से बहुत चिड़चिड़ा हो गया तू। ठीक है भाई। भाई बुरा मान गया कि? अब मैं चूतिया लाइटर लेने जा रहा हूँ। धर्म क्यों जाना चाहता है इस शिवा में भी नहीं और नॉट कहीं ही आल्सो नॉट इन लव विद मी हु नो। तू तो बिल्कुल सही बोल रहा था यार, आज तो मैंने अपने कानों से सुन लिया, ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है रन्नी से शादी करेगा। तो मैं क्या झूठ बोल रहा था? मैं अपनी टिकट बुक करा लेती हूँ और घर निकल जाती हूँ, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट करा लिया मैंने अपना यहाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ करता हूँ ना प्लान, अभी तो उसने बोला है, कौन सा कुछ हुआ है? मतलब सोच, जो आदमी तेरे में से निकल के किसी और में घुस सकता है वो किसी और में से निकल के तेरे में भी तो घुसा, मतलब घुस सकता है। देख तुझे कुछ नहीं करना, बस अपने एटीट्यूड में रहना है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है उसे, जितना हो सके उतना इग्नोर करना है, समझ गई? आकांक्षा एक्टिंग बहुत अच्छी की थी तुमने अभी। क्या बोल रही थी? अरे कुछ नहीं यार, वो कह रही थी अपने होम टाउन निकल जाऊंगी, शिवम चेप होता रहता है छोटी छोटी बात पे। चेप? मुझे चेप कह रही थी? मैं अभी पूछ के आता। अबे यो ये तो दिक्कत है थारी, अभी लड़की बोल के गई है खामखा चेप होता रहता है, फिर चल पड़े उसके अंदर घुसने। मेरी बात समझ, मैं जो बोल रहा हूँ भाई इग्नोर कर जितना हो सके अपने एटीट्यूड में, और सब छोड़ यार, अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कि नहीं होगी? ला लाइटर दे। दोस्त एक बात बोलूं, रिसेंटली बहुत ज्यादा ज्ञान चोदने लगे हो आप, हानिकारक है सिगरेट से भी ज्यादा, अपने तक रखो ये ज्ञान।
शिवम तो रिनी से ही शादी करेगा, कन्फर्म है। और आकांक्षा बेचारी अकेली रह जाएगी, तो इसमें कुछ इतना भी गलत नहीं कर रहा मैं। सलीम अपनी माँ चुदवा रहा है क्या? अब क्या है? ओह शिट, सलीम अनारकली लैला मजदूर सबकी माँ चुद गई है। यो अलग मंदबुद्धि, फिर ना के बोलता रहे। मोबाइल पे गेम खेलने की उम्र में शादी कर रहे हैं लोग, एमेच्योर्स। अरे कोई रेगुलर गेम नहीं खेल रहा हूँ, विंजो पे गेम खेल रहा हूँ। इस पे ना 70 प्लस गेम्स हैं, जिसे खेल के तुम 50 लाख रुपए तक कैश प्राइज जीत सकते हो। मोबाइल पे गेम खेल के 50 लाख? फनी तो हो यार तुम। एक सेकंड, देखो कोई चीज अगर पता ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करती। कभी पैसे विड्रॉ किए तुमने इसमें से? अंधी बार, पेटीएम, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर सब चलता है इसमें। और तो और इसमें विंजो स्टोर है एक, जहाँ पे तुम हॉटस्टार, मिंत्रा और डोमिनोज के डिस्काउंट कूपन भी खरीद सकते हो। और फ्री फायर, उसके डायमंड तो सबसे चीपेस्ट प्राइस में मिलते हैं यहाँ। सैड मत फील करो, लाओ तुम्हारे फोन में भी डाउनलोड कर देता हूँ। पासवर्ड 1111 ना। वैसे मेरी शादी हो रही है तो तुम क्यों जेलस फील कर रही हो? अनपढ़ नहीं हूं मैं, खुद कर लूंगी। गुड नाइट। अरे डिस्क्रिप्शन लिंक से कर लेना, 50 रुपए बोनस मिल जाएंगे। पर एक सेकेंड यार, प्रॉब्लम क्या है मुझे ये तो बताओ। अरे भाई क्या कर रहा है, इसे तो कहते हैं चेप होना, और फिर तुम्हें बुरा लगता है। मेरे को एक मिनट बात करना है। अरे अरे छोड़, तू मेरे को बता ऑल आउट कहाँ है? मच्छर काट रहे यार, बैंड चोदिया कहाँ रख देता है तू? जितना तू मुंह चला रहा ना, अगर इतने हाथ पैर चला लेगा तो सामने दिख जाएगा रखा है। अरे यार मुझे नहीं पता, तू ला के दे। भाई एक बात सच सच बता, माल तो 6-7 दिन पहले खत्म हो गया, तू फूक क्या रहा है? सच बता दे, जो आंखों के आगे रखा हुआ है दिख नहीं रहा इनको। यार जीना मुश्किल कर रखा है इन्हें तो, मेरा दिन प्रतिदिन कुछ तो करना ही पड़ेगा इनका। पापा मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, बता बेटा। पापा मुझे पता है आपके लिए आपकी गुड़िया की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तभी तो दिल्ली भेजा है तुझे तेरी खुशी के लिए। हाँ, देखना पापा। तेरी शादी कितनी धूमधाम से करवाएगा तेरा ये पापा। डिजाइनर कार्ड छपवाएंगे, डिजाइनर। अरे तू भी तो कुछ बोल, बस मैं ही बोले जा रहा हूँ। पापा वो मैं कह रही थी कि कार्ड इंग्लिश में छपवाना। ओके बाय। ये सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती यार? अबे वो एक बात बता, ये अगर तेरा बाप इतना बड़ा जल्लाद है तो रिन्नी ने मेरी और उसकी शादी की बात कैसे की थी? अरे मत पूछो, पहले तो बोल ही नहीं पाई डर के मारे, फिर जब पापा ने पड़ोसी गांव के एक लड़के से इसकी शादी पक्की करी तब खोली इसने जहर की शीशी। मैंने ही तो लाके दी थी दुकान से। वेरी गुड, लब ये जाके धर्म को दे दे। सलीम अभी भी वक्त है, मान जा। अपनी मामा चुदा, अंजाम बुरा होगा, कोई कोई दिन जा रहा है तेरा। सुबह तक रहना कि सलीम पलीम करण लग रहा है। मतलब इसके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। कैसे? दिमाग लगाते हैं कुछ। क्लाइमेक्स सीन है, इतनी सारी बकचोदियों के बाद भी आखिरकार मधु और अशोक दोनों एक हो गए हैं। पीटर को इसमें भर के रोमांस चाहिए, ओके? मतलब फील आ जानी चाहिए। अबे ठीक है, हाँ समझ गया तेरी फील। तो फील के लिए हक कर लेते हैं। हक कर लेते हैं, पंचो बालिका वधू बना रहा हूं मैं। प्रभु आस्था चैनल पर रिलीज नहीं होगी ये, एक ढंग का आइडिया भी नहीं सोच सकते? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मसाला आइडिया, दोनों एक दूसरे को भर के स्मूच मार लो। पागल है क्या, कुछ भी बोल देता है, स्मूच मार लो। ऐसे कैसे स्मूच मार ले? अच्छा, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, पिछली बार नीले सोफों के आगे। ठीक है। क्या मतलब है? मतलब डायरेक्टर का लास्ट कॉल होता है ना, सबसे बीच में नहीं टोक सकते। एब्सोल्युटली, पर हैविंग सेड दैट, मेरे अकेले के यहाँ बोलने से क्या होता है, मतलब
सबका हाँ बोलना जरूरी है। रिन्नी भी हाँ बोले, धर्म भी हाँ बोले और आकांक्षा भी हाँ बोले। अरे मेरे हाँ बोलने से क्या होता है भाई, रिन्नी कभी नहीं मानेगी। क्यों रिन्नी नहीं मानेगी ना, बता दे बोल। नहीं, इफ स्टोरी डिमांड तो कर सकते हैं, बट पीटर इफ वन कपल स्मूचिंग देन टू कपल आल्सो डूइंग समथिंग ना। यकीन नहीं आता कि तू भी ऐसी समझदारी वाली बात कर सकती है। इसके बाद तुम दोनों का भी शॉट लेते हैं। ओके आकांक्षा डार्लिंग रेडी। पीटर आई थिंक हम कुछ और कर सकते हैं फालतू में। प्लीज ना, दोस्ती के खातिर बेवजह मेरी पिक्चर चूज जाएगी। प्लीज बेब। ओके 3, 2, 1 एंड एक्शन। बेटी चोट कांड में गोली मार दी। पापा, अंकल, हमारी बच्ची को लिबिन में रख के किसके होंठ चबा रहा है तू? नहीं पापा, मैं समझाता हूँ। अंकल जी आप गलत समझ रहे हो, हुआ क्या? रिन्नी तुम क्या समझा रही थी, समझाओ ना। पापा कूल डाउन, ये सब कुछ नहीं कर रहे थे। देखो लाइट्स, कैमरा, शूट चल रहा है यहाँ पे, और ये हीरो हीरोइन है। हाँ जी अंकल जी, यही है। आप ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। हीरो हीरोइन तो हमारी बेटी में क्या जंग लगा हुआ है, वो क्यों नहीं है हीरोइन? पहले कोई इस आदमी के हाथ से बंदूक छीनो यार। पापा पापा अबे क्या पापा टक गया क्या, मुंह में बोलना आगे। पापा मल्टीप्लाई स्टार कास्टिंग पापा, और आपकी बेटी का हीरो तो ये खड़ा। लेकिन ये इसके साथ और तू इसके साथ क्यों नहीं है? अंकल मैं समझा सकता हूँ आपको, इफ यू प्लीज अलाउ मी टू। हाँ एक्चुअली ये जो फिल्म है ना, इसमें स्टोरी रोमांटिक है और ये दोनों भाई 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 बहन है। अबे क्या बोल रहा है? अरे अंकल आप, यो का तरीका नहीं होता किसी घर में बढ़ के डराने का। जब मैं और मेरा दामाद बात कर रहे हैं तो तुझे बीच में नेता बनने के लिए किसने बोला? समझा ले। सॉरी दामाद जी, मैंने आपको गलत समझा। बड़ा अजीब आदमी है यार, मुंह के पास से 3 गोली चला के सॉरी बोल रहा है। इट्स ओके अंकल, हम तो मतलब ऐसे खाते रहते हैं गोली वोली ना। क्या दिवाली मना रखी है? हाँ बस इसके आने की कमी थी। ओ भोले राजा। मम्मी। अरे पापा ठीक हो? बाइल्स कैसी है आपकी? पॉटी में खून कुछ कम हुआ या अभी भी बैठते ही प्रर से सीट लाल कर देते हो? बदतमीज चुप हो जा, कुछ भी कहीं भी बोलने लगता है, समझ में नहीं आता तेरे को बिल्कुल भी। हाँ तुझे कितनी बार बोला कि मर्दों के बीच में अपना मुंह मत खोला कर, सारी इज्जत शर्म बेच खाई है क्या? खुद की बेटी तो 1 महीने तक किसी और के लिविन में सुला रखी है, और इज्जत शर्म की बात कर रहा है। मैं तो कह ही रहा हूँ बेहा फैमिली है, नॉट यू दिस गाइस। समधन जी दिल छोटा मत कीजिए, इनकी तो आदत है चीखना चिल्लाने की। मेरा बाप जेब तो है। आप ये बैग मुझे दीजिए, आप तो बस नहा धो के लेट जाइए। क्या बोला बे? मेरा मतलब है फ्रेश हो जाइए। इधर आ जाओ, इधर मर जाओ आपकी। अरे शिवम कैसा है बेटा? कोई कोई दिन जा रहा है इसका। बहुत दिनों बाद मिल रहा है ना। पापा ये आकांक्षा है। दोस्त खुश रहो बेटा। वो कोई बात नहीं अंकल, सदा ही कंगले। मैंने आपको एक लड़की के बारे में बताया था ना। ठीक रहो बेटा। मंजू आंटी लॉकडाउन में थोड़ी सी मतलब वेट नहीं गेन कर लिया इन्होंने? अरे चुप कर, जो भी है बहुत बढ़िया है। नहीं दबा लो थोड़ी देर, और ये वाला भी दबा लो। वैसे पापा आप यहाँ जाना कैसे? बेटा यहाँ के सरकारी अस्पताल से फोन आया था, कह रहे थे कि वैक्सीन लग रही है,
आके लगवा लो तो हम आ गए। अब बेटा वैसे भी अब गांव में बातें होने लग रही है तो सोचा यहां आकर के तेरी शादी का मुहूर्त निकलवा ले। रिनी कुछ बोलना है क्या तुम्हें? पापा मेरे को आपको कुछ बताना था। वो पापा वो मेरे को ना आपको कुछ बताना है। रिनी इधर उधर की बातें मत करो, बोल दो ना सीधा। बोल ना बेटा। हाँ बता रही हूँ। अरे कुछ चिंता मत कर, मैंने पंडित जी को भी बोल दिया है, वो शाम तक मुहूर्त निकाल करके भेज देंगे। मुहूर्त गया माँ चुदाने। तू ये बता तूने गोली किससे पूछ के चलाई? तू पीटर को जानता नहीं है, पीटर तुझे बर्बाद कर देगा। अब देख पीटर तेरी माँ चोद देगा, तेरा पूरा खानदान चोद देगा। काली कम बका करो, फायदे में रहोगे। अरे अंकल आप प्लीज छोड़ दो ना, इसको भी मर जाएगा। आप चलो ना अंदर, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, कुछ खाना वाना खाते हैं ना। उसकी आवाज मैंने कहीं सुनी है। बकचोदी मत कर, मरेगा तो तू अब मेरे ही हाथों। अरे चुप हो जा साले। अंकल प्लीज छोड़ दो आप इसको, प्लीज आप आ जाओ, आप अंदर चलो प्लीज आ जाओ। मजाक में मत लियो इस बात को पीटर, पिताजी को। नहीं बेटा। अंकल आप? हाँ भाई हम तो जरूर लेंगे। कुछ चाहिए तो बताइएगा। समधी जी एक बात बताओ, ये लड़कियां हमारे भोला के लिए कैसी रहेगी? भोला के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, पर भोला इसके लिए कैसा रहेगा ये पूछना किसी दिन तसल्ली से। थोड़ी तरी देना। सुनो पंडित जी ने मुहूर्त भेजा है, 7 दिन बाद का बोल रहे हैं शादी के लिए, पर सगाई के लिए? ये क्या सगाई के लिए कल का बोल रहे हैं? कुछ बोलना है? पापा मेरे को ना आपको कुछ बताना है पापा, बहुत अर्जेंट है पापा। वो बात ऐसी है कि पापा मेरे को आपको ये कहना था। बोल ना क्या कह रही है, कब से बोल रही है कुछ कहना है? हाँ पापा बता रही हूँ। पापा वो बात ऐसी है कि जब आप इस घर में नहीं थे ना तो कुछ बोलेगी? कुछ नहीं पापा, वो 7 दिन बाद तो ट्यूसडे पड़ रहे हैं ना, तो कोई नॉनवेज नहीं खा पाएगा, तो क्या हम एक आधा डेट आगे पीछे कर सकते हैं क्या प्लीज? चटोरी है हमारी बेटी। मैं पंडित जी से बुधवार की बात करता हूँ। चट्टो रिन्नी एक मिनट मेरी बात सुनना। एक बात बताऊं, मुफ्त का माल आप बड़े चाव से चबाते हैं। क्या हुआ? अरे तुम बताओ ना क्या हुआ, तुमने बोला क्यों नहीं कुछ अंदर? बोला तो ट्यूसडे वाली बात, और पापा कर तो रहे ना पंडित जी से बात। अरे क्या ट्यूसडे, कौन सा पंडित, तुम मेन बात तो मैंने तुम्हें क्लियर किया है ना, मैं दिल्ली में नहीं रहने वाला, मैं सीधा गांव जाऊंगा। अरे क्या हूं, पूरी जिंदगी मेरे साथ गांव में रहोगी? अब तो wherever you go I go behind। रिनी बेटा इधर आइयो। हाँ पापा आ रही हूँ। अबीर रातों रात कैसे पलट गई? जो सारी दिक्कतें मेरी जिंदगी में लिखी हैं क्या? अरे शिवम कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होनी चाहिए, जीना हराम कर दिया इस प्रधान ने।
तू अगर अच्छे से पढ़ लेता तो तेरा ढंग का पैकेज लग जाता, तो इस साले की गुलामी नहीं करनी पड़ती। क्यों, क्या कर रहा है? लासी हट दे इधर। बाप को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं भी जला लूं एक। अच्छा, कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, जब ये मुझे गांव में उठा के ले गए थे तब तो बड़ा उछल उछल के पूछ रहे थे गाड़ी ऑटोमेटिक दोगे मैनुअल दोगे, अब क्या हो गया? अरे तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। क्या है बात? वो अरे आप खाना ऐसे बीच में छोड़ के आ गए, इनकी तो आदत है उल्टा सीधा बोलने की। नहीं मुझे भूख नहीं। ठीक है, आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई यार, चलो अच्छा आता हूँ। अरे फिर चला। टेंशन देते थे ये तो, बस बोल दिया कल सगाई है, तैयारी तो हमें करनी है ना। लो आ जाओ। आप चलो, मैं आ रहा हूँ। क्या ड्रामा चल रहा है ये? तू इस ड्रामे की चिंता मत कर, इसे तो मैं संभाल लूंगा। तू बस अपना दिमाग लगा कि किसी भी तरह ये शादी नहीं होनी चाहिए। आ जाओ ना। आ रहा हूं यार, पकड़। यार हद हो गई यार, एंजू पहले अपनी सेटिंग का सोचो फिर अपने बाप की सेटिंग का सोचो, बड़ी मतलब ही है यार दुनिया ये। ये जिंदगी क्यों पलट गई है? अरे बहनचोद ये तो सीरियस हो रहा सब कुछ यार। अरे रिन्नी आज ही सगाई है तेरी, कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? मम्मी कुछ बोलो। अरे क्या कर रहा है, हट, बहुत काम है मुझे। बेटा तैयार नहीं हुई तू? ये आंटी ठीक तो है। ऐसे कैसे, आज तेरे भाई के दोस्त की सगाई है, जाके तैयार हो जा। रिनी का कोई अच्छा सा सूट पहन ले, जा। आंटी ये ठीक तो लग रहा है ना? बेटा बड़ों की बातें ना ऐसे नहीं डालते, और तू तू भी तो गया नहीं, हट। आंचा रुको, ओ लंबू इधर आ। हाँ इधर आ, कैमरा पकड़, मेरी वीडियो बना। मैंने नया परफ्यूम लगाया है, सूंघ के बताओ कैसी महक है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गटर का ढक्कन खोल दिया हो, बेवकूफ। कट कर। बेटा ये कट ना होता, ये तो बन गई तेरी रील। लंबू कट कर पिटेगा। बेटा पिक्चर बन गई। मैं दोबारा ना के आता हूँ। अरे क्या कर रहे हो, एक घंटा हो गया और अभी तक इतने फुग्गे फुलाए हैं। भाई साहब कहना आसान है, एक फुला के देखो पता लग जाएगा। अंकल इधर तो देखो। ओ, ओ, वीडियो बन रही है। मेरी पगड़ी कैसे लग रही है? अरे गच लग रहे अंकल, गच। और मेरी 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 बढ़िया बढ़िया। लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? एक काम कर, अंदर जा, दामाद जी की शेरवानी ले और उन्हें तैयार करके लेकर आ। और सुन ये मेरे को दे मोबाइल। हाँ चल जा अंदर, जल्दी जल्दी करो यार, फुलाओ। सगाई करवा के मानेंगे क्या आज? मत देख। अरे यार तू क्या कर रहा है खड़ा खड़ा, भीतर सब बोचन लाग रहे हैं, तने बेरन कित गया? ले जल्दी पैर इन्हें। मेरी बात सुन यार, एक बार बात मैं सुन लूंगा, तू इन्हें पैर जल्दी तैयार हो। हाथ गालिस में के बाड़का की तेरी कती यार। मेरी बात तो हां सुन रहा हूं ना, डट जा एक मिनट। अरे आ रहा हूं अंकल, इन्हें जीना आराम कर रखा है यार। भाई मेरी बात तो सुन ले। हां सुन रहा हूं सुन रहा हूं। कितनी देर लगेगी बेटा? एक सेकंड अंकल, आया यार, ईव लाग गया ना गच सोरा गति मारा। बता के बात, मुझे शादी नहीं करनी है, कांचन से प्यार करता हूं। एक मिनट, इब तीन चार दिन पहला जीप तेरे तबू जी जीप तो कहो था रिन्नी ते ब्याह करूंगा। अरे दमाद जी अब तो रिन्नी से भी ज्यादा टाइम लगा। मैं ना ये सगाई अंकल।
बेटा अंगूठी पहनाओ। आंटी मैं आती हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रही है? रस्म शुरू हो गई है, रुक जा, चल। अंकल मैं कह रहा था कि आज ना तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी, तो ये सगाई किसी और दिन कर लें। बुद्धि ठीक है तुम्हारी, पंडित जी ने आज का मुहूर्त निकाला है तो सगाई तो आज ही होगी। प्रधान जी मैं कह रहा था कि अगर बच्चों का मन नहीं है तो अंगूठी पहना बेटा, पहना पहनाओ, डाल ऊपर, डालो डालो बेटा, डालो 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 डालो, पहना पहना पहनाओ, उंगली सीधी कर, हो नहीं रही, सीधा खड़ा हो, डाल, हाँ हाँ डाल डाल। शिवम तमाजी, अरे मुंह पे पैर क्यों लगा रहे हैं? चुप कर तमाजी। अरे ये कोई तरीका है क्या उठाने का? तो तू उठा ले। शिवम बेहोश हो गया लग रहा, तमाजी उठो उठो तमाजी। जी पंडित जी आप चिंता ना करें, अब सगाई आज ही होगी। जी मैं देखता हूँ। अरे होश आया इसे? नहीं पापा। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ और जिंदा करो इसे। अरे पंडित जी ने बताया कि अगर आज सगाई नहीं हुई तो अपशकुन हो जाएगा, फिर पूरे साल शादी नहीं हो सकती। बेटा वो तुम्हारा भाई, वो क्या नाम है उसका, धर्म, वो कहाँ है? अंकल उसी को कॉल कर रही हूँ, नहीं उठा रहा है। मम्मी फूला कहाँ है? पता नहीं एक घंटे से कौन से नहा ना आ रहा है। तू उसे छोड़, ये बता तेरा डॉक्टर कितनी देर में आ रहा है? पापा ही तो टेक 1 to 2 hours। देखना बेटा डॉक्टर आ गया होगा। नहीं शायद धर्म होगा, मैं देखती हूँ। कौन है वो जिसने जोसफ के भतीजे को गोली मारी? मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा। आप शांत हो जाइए, मुझे पता है मेरे पति से गलती हो गई है, लेकिन आज मेरी बेटी की सगाई है तो आप कुछ ऐसा नशा मत कीजिएगा। शादीशुदा औरत ऊपर से मुंह भी नहीं दिखा रही, सस्पेंस में रख रही है। लगता है तेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। तो तू है वो निशानची? मेरे घर में खड़ा होकर मुझसे ही बकचोदी कर रहा है? अगर आज मेरी बेटी की सगाई नहीं होती ना तो तुझे तेरे ही घर के अंदर जिंदा गाड़ देता। क्या दे देता? अरे भाई मत कीजिए ना, इतना शुभ दिन है और आप अंदर आइए, मैंने अपने हाथों से स्वाद खाना बनाया है, आइए। इन्हीं हाथों से? इनका बना हुआ कुछ भी मैं जरूर खाऊंगा, चलो परोसो। रसमलाई लेंगे? रसमलाई देगी तो जरूर लेंगे। मंजू रसोई में जा, सारी इज्जत शर्म हद में रहो, मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्यों तू भी ऐसा ही है क्या? बारात घर बना के रख दिया मेरे फ्लैट को, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। अरे तू इतना सज धज के क्यों खड़ी है? सगाई तो उसकी है ना। किसकी? अरे शिवम आपकी बेटी की और मेरी और किसकी? और बोला के पापा है ना ये। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, दूसरी वाली इतना ससुर के क्यों खड़ी है? तमाची होश में आ गए, तमाची होश में आ गए। हाँ धोके फ्रेश फील कर रहा हूँ। अरे अंकल आ गए फ्री की रसमलाई पेलने। पेलने से याद आया, मुझे तुम्हारे इस लड़के के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। ये इतना बड़ा बहन का रसमलाई लेंगे? बाप बेटी का प्यार है काफी। पूरी वनीला आइसक्रीम है, मन करता है पूरा चाट जाऊं। सुना सुना तुमने? अरे ये थोड़ा मंद बुद्धि है। अरे कितना मंद बुद्धि है भाई, अपनी ही बहन। एक रसमलाई मुझे भी देना। थैंक यू। सुधर जाएगा धीरे धीरे, एक ना एक दिन तो दबोच ही लूंगा। अबे तुम इसके बाप हो, तुम कुछ नहीं कहोगे? अरे जवान खून है, उबाल तो मारेगा ही। उबाल?
अरे इसकी सोच तो उससे भी ज्यादा खाती है, बहन नहीं है क्या ये इसकी? जिसकी शादी हो रही है? जिसकी शादी हो रही है? अरे बिल्कुल है, अरे इसकी बहन है, मेरी बेटी है, तुझे दिक्कत क्या है? छोड़ो ना, गंदी फैमिली है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना? बहन चोद, गंदे से गंदा आदमी देखा है मैंने, पर इससे घिनौना ना कहीं नहीं देखा। अबे चुप, मुझे पता है। अरे ये आइसक्रीम खाना, ये तपोचना, ये लड़की छेड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि इन दोनों की शादी करवा दूँ और कलेश का दूँ। शादी करा दूँ? अरे कोई मेरे कान में तेजाब डाल दो, ऊपर वाले से डर नहीं लगता तुम्हें? मैं कुल्ला करके आता हूँ। अरे इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? इसमें दिक्कत की क्या बात है भाई, गांव में हर माँ बाप अपने बच्चे का रिश्ते ऐसे ही करते हैं। अरे ये कौन सा गांव है जहाँ ऐसे रिश्ते होते हैं? मंजू मंजू, अरे अंकल क्या कर रहे हो? मैं देखता हूँ। तुम तो समझदार लगती हो। मैं क्या कहूँ, हमारे यहाँ सुनता है लड़कियों की, मेरी खुद इनसे ऐसे ही हुई थी जबरदस्ती। मतलब तुम दोनों भी? और क्या, वो भी बचपन में। हे भगवान, अब उठा ले, अब इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं देखना, उठा ले। मुझे क्यों? इतनी बड़ी बात है क्या ये? आप इस घर के मैटरों में मत पड़ा करो। इसमें दिक्कत क्या है यार, मुझे ये नहीं पता लगा। अबे साले, इसमें तुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है? ऐसे कोई कराते हैं बच्चों की शादी? तो कैसे कराते हैं भाई? मैं तेरा खून पी जाऊंगा, साले गोली मार दूंगा। देखिए दर्द को बात, मंजू को बोलना किसको जोर से मुझे इस नर्क से जरूर निकालेगा। अरे पागल था क्या ये? हाँ अंकल, पागल ही था। चलो छोड़ो ये सब बातें, खुशी की बात तो ये है कि दामाद जी को होश आ गया, अब सगाई की सारी रस्में पूरी कर लेते हैं। अरे इसका तो ऐसे ही बता रहा है। पकड़। कहाँ चला गया था? अरे कुछ नहीं यार, वो बस एक ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो साथ वाले पार्क में था। पता क्या हुआ? हो गई सगाई। यार जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है तेरे पे विश्वास करके। लेकिन आकांक्षा एक बार कल आ गई है, मुझे 5 दिन बाद की सीट कंफर्म हो गई है मेरी, जा रही हूँ मैं वापस अपने होम टाउन। यार तू ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है मुझे, मतलब ये सब अभी तो बस सगाई हुई है। हो तो तेरा मतलब है मैं शादी देखकर ही जाऊं? अरे ट्रस्ट मी, मैं करता हूं ना कुछ प्लान। अबे चुप, आया बड़ा प्लानर। रिया बिल्कुल सही थी तेरे बारे में। क्या कह रही थी? कि तू एक नंबर का नल्ला ही है। जा रही हूं मैं वापस, एंड दैट्स फाइनल। जा रही है? कहां जा रही है? 6 दिन बाद घर में शादी है और रिनी की कोई सहेली भी नहीं है यहाँ। तू चली जाएगी तो जीजू के जूते कौन चुराएगा? समझाना अपनी बहन को। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं नहीं जाएगी तो शादी तक, ठीक है? अरे बुद्धू सा दिल मेरा, थोड़ा सा सर फिरा, क्या चाहता भला, ना जानते बता, तेरे रास्ते चला यूं हो के बावरा, मेरी न मानता समझा दे तू जरा। है क्या बता ये मामला, जोड़ चला ये उड़ चला, दे दे जरा कोई सलाह, क्यों चला
200 रुपए दूंगा। देखो नौ 200 रुपए मिलेंगे। समझता क्या बोला आपको? पैसे उठा के अपने आपको बहुत नहीं समझ रहा है ना? कौन हूँ? रातों रात उठवा दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? और तुझे यहाँ किसने बुलाया? पहले तो ये बता कि घर किसका है। किराया लेने आया हूँ, किराया लेके जाऊंगा। कल तक किराया नहीं मिला तो सारे बरातियों को उठा के बाहर फेंक दूंगा। खुश रहो, इसे भी लगान दे मेहंदी, चढ़ के बैठी है। इसका कोई पक्का इलाज करना पड़ेगा। बावरा है मंजिलों के रास्ते ना जाने। आकांक्षा? हाँ? सब ठीक है? हाँ? सवार था रहे तुझे। कोई बात है तो बोल दो। नहीं, कोई बात नहीं है। शिवम? हाँ? बेचारा बन के घूम रहा पागल जैसे है झूम रहा। पता पता ना जमानेगा बस तुझको हर पल ढूंढ रहा। बुद्धू बात न मानेगा बस अपनी धुन में मगन रहे। इसका रोक न जाओ तो सब हाथ पकड़ बस यही कहे। गुली गुली बजा रहा गुली 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 गुली। ये इतना सख्त से हो गया पैर और बदबू भी आ रही है। बड़ी मस्ती चढ़ी है तुझे, आ जा कर आऊं तुझे गुली गुली गुली। भाइयों इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जा यार, घर वाले सो रहे, रात ने भी शर्म कर लिया कर थोड़ी सी। अबे यार ये जोसेफ का बहन जो महीना कैसे पूरा हो जाता है। अभी तो रेंट भरा था कुछ दिन पहले, फिर मैसेज आ गया यार वो इस महीने का रेंट। हाँ पता है मुझे इस महीने का रेंट। 10 बार गई है तेरे से, विंजो ऐप डाउनलोड कर ले, खाली टाइम में गेम खेल लिया कर, कुछ पैसे कमा लेगा। पर नहीं, सुननी नहीं है। मैं भाई अभी डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं तेरे जितने यार पैसे बचे हैं ना मैं थोड़े। भाई ये ना आखिरी बार कह रहा हूँ, ये भाईचारे में ना पैसे वैसे वाली बात मत करा कर। तेरे से पैसे मांग रहा हूँ मैं? तेरे लिए कह रहा हूँ, अपने लिए डाउनलोड कर ले, अपने लिए खेल ले उस पे गेम। आए बड़े रहीस के चोदे, पैसे देंगे। नहीं 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 यार, घाटी भी दे रहे हैं, घर बार भी ठीक है, और प्यार का क्या यार, शादी के बाद 1-2 साल में हो ही जाएगा भाई, सेट है। और ये 2-4 दिन का दुख है, फिर तो सब ठीक है। गुले 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 गुले। प्रधान जी कमर दुखने लगी है। उड़े चला उड़े चला गुले 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 गुले। दो गुनी कीमत दे करके खरीदा है तेरा ये घर। वो तो है। अब आज के बाद यहां दिख मत जाइयो। मेरे पिताजी का जन्म हुआ था यहां, पर पैसा भी जरूरी है। कुछ कहना है? नहीं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। इतने में तो 2 आ जाते। तेरी जेब से गए हैं क्या पैसे? पहचो गाड़ी घर तो कुछ नहीं हो सकता क्या? अब फक यार ये चीजें बढ़ती जा रही है यार।
दामाद जी देखो ना ये क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे कह रहे हैं शादी कल ही करेंगे। परसों का बोल रहे थे ना? हाँ परसों के लिए बोल रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कल होगी शादी। एक दिन में कैसे होंगे? मैं भी इस शादी में खुश नहीं हूँ। आप ही चल के बात करो ना। रुको। क्या पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। दिमाग खराब कर दिया एक ही बात पूछे। आई मैं अब ये जोसफ मंजू के लिए प्रधान की ईंट से ईंट बजा देगा। अजी पंडित जी मैं बता देता हूँ। धन्यवाद। ले रही नहीं बेटा, तेरी नॉन वेज खाने की दिक्कत भी खत्म हो गई। पंडित जी ने बोला है कि अब शादी मंगलवार की जगह सोमवार को होगी। पर अंकल जी सोमवार तो कल ही है। तो कल ही होगी शादी फिर। पर कल दिन में वैक्सीन लगवाने भी तो जाना है। दिन हो या रात हो मुझे नहीं पता, पंडित जी ने बोला है कि कल होगी शादी तो कल ही होगी शादी। शिवम। हाँ बोलोगे कुछ? मुझे शादी नहीं करनी। क्या? मेरा मतलब क्या? मेरा क्या होगा? चलो ठीक है जो भी होगा, पर अगर तुम्हारी खुशी नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता ना। ठीक है मार लूंगा मैं अपना मन। आओ तुम्हारे पापा से बात कर लेते हैं। I don't tell papa. क्यों? वो पिछली बार इतना ड्रामा हुआ था तुम शादी करने के लिए, मैंने तो जहर वहर खाने की भी धमकी दे दी थी, और अब जब सब मेरे कहने पे हो रहा है, I don't tell papa. Papa shoot me only. तो तुम यहाँ मुझे ये सब क्यों बताने आई हो? ऐसे ही मन हल्का करने के लिए। भाग जाए ऐसे। पर चली जा कहीं और जाके मन हल्का कर अपना, मैं चप्पल निकाल लूंगा। हमारा भर के खुद का मन हल्का करने आई है यहां प्रधान। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी के फैसले तू कैसे कर सकता है बे? हैं? तू बताएगा मैं शादी कहाँ करूंगा? एक काम करता हूं तुझे मार देता हूं, मैं आजाद हो जाऊंगा। चल निशान लगा के देखते। पापा मैं वो यहाँ रखी हुई थी। इस साले ने मेरा जीना भी हराम कर दिया, इसे मैं मारूंगा। पापा पागल हो गए हो क्या? मैं तो बच्चों मतलब ड्रामा कर रहा था, खड़े हो कैसे देख रहा था कैसा लगता है। तुम तो सीरियस ही हो गए। फांसी हो जाती है फांसी जो मर्डर करता है, पता है ना? जिंदा रहोगे तो ही जिंदगी रहेगी, जीना हराम कर दिया। सो जाओ, गुड नाइट। अबे क्या सीन है भाई, मार के हटोगे क्या? चलो ना, वैक्सीन लगवानी नहीं है क्या कल? चलो, बुखार आता बहुत तेज। एक घंटे में आ रहे हैं वैक्सीन लगा करके, जा रहे ना। वो जो तुम कल दारू पी रहे थे बच्ची है क्या? नहीं पर, और तुम दारू के लिए क्यों पूछ रही हो? नहीं भी बच्ची है तो क्या हुआ, ले आते हैं।
पंखे का पास में ही है। अरे ये कैसे दारू वाली बात कैसे स्टार्ट हो गई यार? मुझे पता है एंग्जाइटी हो रही होगी, पर एक घंटे में आ जाएंगे वो दारू वारू कोई। अरे धर्म बोलना यार। हाँ बोलता हूँ, इस घर में कोई दारू नहीं पिएगा। हाँ सब बियर पियेंगे। हैं? जोसेफ तेरी माँ की। अरे धर्म भाई नीचे उतर जा, क्या कर रहा है? अरे नहीं भाई, ते मैं बताऊंगा आज। साला हर महीने आ जाता किराया मांगने, बेइज्जती करता हमारी, मांगते। एक बात बोलूं आकांक्षा, जब तुझे पहली बार देखा था ना मैंने, बड़ी कुत्ती लगी थी तू मुझे। पर जब शिवम ने तेरे बारे में बताया ना, बहुत तरस आता है तुझ पे। पर मुझे नहीं आता है तुझ पे। पहले दिन जितनी कुत्ती लगी थी ना, उतनी आज भी लगती। दारू शर्म नहीं आती? 2 महीने से एक आदमी सूखा घूम रहा है घर में और तुम अकेले अकेले दारू पी रहे हो। नो दारू टू यू, You go mental after alcohol. अरे पी लेने दे रिनी, before alcohol कौन सा ठीक है यो? तुझे तो मैं बताऊंगा साले सलीम, एक बार 2 घूंट अंदर चले जाए बस। नींबू चाट। यार सारे ने से उतर जाएंगे भाई। अबे तो उतारने ही तो है, साले प्रधान आने वाला है थोड़ी देर में, सारे घर वाले आ जाएंगे, पागल हो रहा है क्या? अखंड चलो नींबू चाटो, प्लीज प्लीज रिनी प्लीज चाटो जल्दी फटाफट, नशे उतारो यार अपने। कन्फेशन टाइम, एवरीबडी गेट अप। क्या बकचोदी कर रहा है? अरे गेट अप एवरीबडी गेट अप। क्या बकचोदी कर रहा है यार? देख तेरी शादी रिन्नी से हो ही जाएगी आज, तो लगे हाथ मैं भी अपने दिल का बोझ हल्का कर ही लेता हूँ। यू साले आई लव आकांक्षा माई हरी। अरे बहनचोद ये क्या बकचोदी है? नहीं बकचोदी मत बोल, सच्चा प्यार है भाई का। अबे तुझे इससे कब प्यार हो गया? चूती है, क्या बात कर रहा है? ये तो ऑलरेडी इसकी गर्लफ्रेंड है ना। चूतिया बनाया, बड़ा मजा आया, ऑलरेडी भाई की क्रश है ये। हराम खोर, जब पता है ऑलरेडी भाई की क्रश है तो क्यों बहनचोद पना फैला रहा है यहाँ? अबे बीटी मत दे यार, रिन्नी से तेरी शादी होनी है और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तेरी किस्मत है। बस मैंने तेरे से कितनी बार पूछा, हर बार तूने खुद बोला रिन्नी रिन्नी रिन्नी, फिर सगाई वाले दिन आकांक्षा आकांक्षा कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता भाई। चूती है, जब जब तूने पूछा तब तक वो खिड़की पे गिद्ध की तरह सुनने के लिए बैठी रहती थी, इसलिए बोला मैंने रिन्नी रिन्नी रिन्नी। Oh my God, means whole time you making me mental? इतना बड़ा धोखा। ओ सती सावित्री, धोखे की बात तू तो मत ही कर। बाबू आई लव यू, 15 दिन का मैंने व्रत रखा है ताकि तुम मुझे एक्सपेक्ट कर सको। टॉयलेट में खड़े होकर जो पिज्जा और बर्गर चापे हैं ना तुमने, सब देखा है मैंने। दिल्ली छोड़, तुम तो साले दोनों भाई बहन देश में रहने लायक नहीं हो। अबे लड़ाई लड़ाई माफ करो, कुत्ते की पोटी साफ करो। मौजूदा हालात ये है कि अभी प्रधान आएगा और तुम दोनों की शादी हो जाएगी। आकांक्षा बेचारी अकेली रह जाएगी, इसका ख्याल कौन रखेगा? अबे ओ दड़ियन, मैंने तुझे बताया था ना, I only love शिवम। लगता है सारे भांडे आज ही फूट जाएंगे। ओ भाई हरामी, भाई मान गए भाई, कितना हरामी भाई, मैंने नहीं देखा इतना हरामी बंदा अपनी जिंदगी में। मैं भैंचो यहाँ डिप्रेशन में घूम रहा हूँ, क्या हो गया इसे? मुझे कहता कि तुम मेरे लिए फील नहीं करती, मैं पागल हुआ पड़ा हूँ यहाँ। मुझे बोला तुम नहीं करते। मैं तो करता हूँ यार। इसके लिए भाई सॉरी है, दिल से सॉरी है, और इसका बहुत गिल्ट भी है मुझे यार। और तू तो आज परेशान हो रहा है, मैं तो पता नहीं कब से परेशान घूम रहा हूँ। क्या हो रहा है धर्म, तू क्या बोल रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। तू मर जा थोड़ी देर के लिए। ओ माय गॉड, ये लड़ाई छोड़ो, आकांक्षा को चक्कर आ रहे हैं। Somebody calling ambulance. अरे ओ, overacting. तो भी मैं ambulance कौन बुलाता है? अरे तुझे तो कैंसर भी तो है ना? हाँ? हाँ?
कैंसर? मुझे कैंसर है? हाँ, हुआ। मेरे को तो खुद शिवम ने बताया। हुआ ये था। ओह, इतना बड़ा झूठ! मेरी तो सोच में भी ना है तुम्हारे लिए ऐसा कुछ आकांक्षा। घिन नहीं आ रही अपने आप से ये सब बोलते हुए? मतलब भैंचो ब्रो कोड रो कोड सबकी मैया घोट दी तुमने एक बार में। अच्छा जी, और जब दिशा के लिए मेरे से अबॉर्शन टिप्स ले रहा था तब का गेंद में घुस गया था ब्रो कोड? अबॉर्शन टिप्स ले रहा था ना, मौका भी था मेरे पास, चाहता तो तेरी बहन। दिशा? वो दिशा? दिशा इसकी बहन है जिसको इसने प्रेग्नेंट कर दिया था। प्रेग्नेंट? अरे इसके बारे में इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी तो थी तुम्हें, समझ तो गई थी तुम, वो ड्रामा कर रही थी पीरियड्स थे। एक सेकंड, तुम ये कैंसर वाली बात से अपसेट हो क्या? मैं अरे मैं करता हूँ ना सॉर्ट, पहले मुझे इसका तो सॉर्ट करने दो। मेरा क्या सॉर्ट करेगा तू? मैं कांचा से प्यार करता हूँ, दैट्स फाइनल। मैं नहीं करती। अरे शिवम से भी तो नहीं कर दी थी आकांक्षा, एक मौका तो दे, सच्चा प्यार है। अबे चूतिया काहे का सच्चा प्यार, चार दिन की अट्रैक्शन को सच्चा प्यार बोल रहा है, कुछ जानता भी है कि इसके बारे में? सब कुछ तो मैंने बताया तुझे। सच्चा प्यार करता तू? बताइए जरा, दो चार बातें बता दे इसके बारे में। फेवरेट कलर कौन सा है इसका? ब्लू। घंटा पता है तुझे? ये बता, इधर देख फेवरेट फूड क्या है इसका? छोले भटूरे। घंटा छोले भटूरे, साले चाइनीज पसंद है उसे। इधर देख हाँ, मुझे देख अबे इधर देख ले, आंखों का रंग कौन सा इसका? ब्लैक। ब्लंड ब्लैक, डार्क ब्राउन है साले, कुछ पता भी है तुझे? देखी भी है कभी आंखें उसकी? अबे यार ये चीजें तो आदमी साथ रह के जान ही जाता है, और मेरे को दो तीन हफ्ते दे फिर ले लियो मेरा इंटरव्यू। तो तब तक तो मैं इस पे पीएचडी कर लूंगा। मैं क्या करूं भगवान? अरे बहनचोद मैं क्या करूं भगवान? अरे भगवान मैं क्या करूं, मेरे इतने दोस्त नहीं है, मैं इस भोसड़ी वाले को खो नहीं सकता। अरे भाई मैं क्या, कोई नहीं है आज। जा रहा भाई। अरे भाई 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 क्यों कर रहा, भाई क्यों कर रहा? मैं दिलवा दूं, कोई और लड़की करवा दूंगा भाई सेट। ये भाई से छोड़ दे भाई। भाई तुझे पता है तो है साले, मैं प्यार करता हूं इससे। प्यार तो मैं भी करता हूं। अबे तू कहीं प्यार करता तू? मैं जान दे सकता हूं उसके लिए, तू जान दे सकता है? बोल हाँ, तू साले हाँ बोल, मैं पीछे हट जाऊंगा अभी भाई के लिए पीछे हट जाऊंगा, तू सेट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात में मेरा ओपिनियन कुछ मैटर नहीं करता है क्या? एक काम करो, तुम आपस में डिसाइड कर लो, उसके बाद फिर जो भी फाइनल होगा मुझे बताना, मैं उसके साथ हो जाऊंगी, ठीक है? देवी देवी मुझे बस एक मिनट दे दे, 60 सेकंड दे दे, मैं कर रहा हूँ ना सॉर्ट। हाँ भाई रिज्यूम, प्यार करता है ना? बता जान दे सकता हाँ या ना? हाँ या ना? कर ले सेट, हाँ बोलते कर ले सेट। अबे यार तू ये इमोशनल बकचोदी मत कर, मैं जानता हूँ तुझे, और ये प्यार व्यार जान देना फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में इंजेक्शन लगने से भी गांड फटती है तेरी। मत कर भाई मत कर, मेरे नहीं है 200-400 दोस्त बहन चोद, बंदी के चक्कर में नहीं करना चाहता मैं ये हरामी। तू क्या कर रहा है? ये कॉलेज के पहले दिन से प्यार करता हूं इससे, तुझे पता है साले? हरामजादे, मैंने तुझे बोला था ना कि मेरी गुड़िया का दिल मत तोड़ियो। भाई किसी ने सही है कही है? नींबू उम्बू तो कुछ ना होता, गोली है असली चीज, एक गोली में सारे नशे टूट गए। पापा किसी ने मेरा हार्ट ब्रोक नहीं किया, मैं तो करती नहीं शिवम से प्यार, मुझे तो धर्म पसंद है। भाई ओके नहीं चोद है, हरामी भाई, कितना हरामी भाई। मान गए पंडित, तने मान गए भाई। अरे रिन्नी यो को प्यार व्यार ना है, इसने भरी है तेरे दिमाग में सारी बात। मेरे अंदर किसी ने कुछ नहीं भरा। तू जानती कौन हो, कितनी बड़ी फिल्म है। चुप हो जा एक सेकंड, अगला तीन बंदे चार बंदूकें लेके खड़ा, ये बाद में सुलटा लेंगे ना अंकल। आप देखो, कई बार मैं बोलने की कोशिश कर चुका हूँ, ये भी बोलने की कोशिश कर चुकी है, साफ सीधी बात ये है, अब गोल बोल क्या घुमाना। मैं कांचा से प्यार करता हूँ और आपकी बेटी धर्म से प्यार करती है, नहीं कर पाएंगे हम एक दूसरे से शादी, यही बात है बस। इससे शुरू करता हूं। सॉरी अंकल, पर ऐसे बंदूक के जोर पे रिश्ते नहीं बनते। लेकिन आज बनेंगे पापा, आई लव धर्म ओनली।
वरदान जुबान दे चुका है समधी जी को, अब पीछे नहीं। अंकल सॉरी, पर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मी टू पापा। अरे अंकल बाड़का की जान लोगे के? अरे अंकल सारे निशाने ना चुपका करते। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? समझी जी समझाओ अपने बेटे को। समझी जी कहाँ है? वो तो मालकिन के साथ पीछे कैब में आ रहे थे ना। उठा और डाल स्पीकर पे। हाँ पापा। शिवम बेटा मैं मंजू को लेकर निकल गया हूँ। निकल गए हो मतलब? मतलब मैंने मंजू भगा ली है। और तू अपना ध्यान रखना, और हाँ कह देना उस चौधरी को कि मैं अब इसे रोज करूंगा गुली 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 गुली। पापा ये गुली गुली क्या है? अरे तू बस बोल देना उस हरामी को, समझ जाएगा वो। चल बाय। पापा पापा मेरी बात। अरे अब तो मुखड़ा दिखा दो, थोड़ा घूंघट तो ऊपर करो। मेरा भी बहुत दम घुटता था इसके नीचे, अब मैं आजाद हो गई। घूंघट नीचे कर लो। आखिरकार हैं तो दोनों एक ही गांव के। अरे घर में जैसे चाहे रह लेना। मंजू तेरा जोसफ आ गया तुझे नरक से निकालने के लिए। अब बताओ बहनचोद किसके गोटों में इतना दम है जो करेगा जोसफ का सामना? वो दुनाली रख दा तेरा यार, पीछे से कर दिता वार। अब बात इज्जत पे आ गई है, अब तो चाहे साक्षात भगवान भी क्यों ना आ जाए लेकिन शिवम और रिन्नी की शादी जरूर होगी। सलीम हराम जादे, ये बात होगी बोला भाई। बहन चोद चोचुदाई माँ, चोचुदाई 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 माँ, चोचुदाई माँ, तूने जब सब कुछ सही चल रहा था तो बोला। आ तुझे मराऊं मैं आशिक। बोला भाई, बोला भाई, बोला भाई क्या हो गया? क्या बात हो गई बताओ तो। बोला भाई क्या दिक्कत हो गई? सीधा सीधा दिमाग नहीं चलता आज, तुझे बनाता हूं मास्टर भाई। अरे सीधी सीधी बात नहीं होती तेरे से। सलीम अनारकली अनारकली सलीम, पूरा दिमाग की मार छोड़ दी तूने, आज तुझे खत्म कर दूंगा। आजा आजा, तुम दोनों ने सबकी जिंदगी नरक बना रखी है, आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। बोला बोला तू रुक, आज तुझे बनाऊंगा प्रधान। हमें मजबूर मत करो। मजबूर? छोटे मालिक तेरी माँ की तुम्हें से क्या मौका छोड़ गई? बोला दादा बंदूक नीचे रख। पाप हूँ मैं तेरा और प्रधान भी। ओ भाई कौन प्रधान? कहाँ का प्रधान? आज से प्रधान मैं हूँ, तू रिटायर हो गया और मेरी बहन की शादी वही होगी जहाँ वो चाहेगी। सुना सुना तूने? आ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने जुबान दी है। ओ भाई तेरी जुबान ने पूरे खानदान की गाड़ मार दी। तू रुक दो मिनट रुक। बात करूं तेरी जुबान के सिरी, बता आज तेरी जबान काट दूंगा मैं। तेरी प्रधानगिरी के चक्कर में मेरी माँ भाग गई तो होता कौन है सबकी जिंदगी के फैसले करने वाला? बता जबान जबान बाहर निकाल। ओ प्रधान 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 काटू तेरी जुबान, जल्दी बता जल्दी बता। क्या बोल रहे? तो तू बोलेगा वही मैं करूंगा। जुबान दे रहा है? अरे बोल नहीं तो काट। बैंचो 5 मिनट का काम था, 3 महीने से सारे गांड मरा रहे हैं। तारों किसने मिलाई? हो गया जो ऐसी तैसी मार दी। उसराना वास्ता सवारता रहे तुझे हर सांस में दुआ में तू रहे
I know you not love me right now, but whenever you love me, call me. I waiting for you. Bye. सुनियो? हाँ? तू सच में जान दे देती मेरे लिए? तुम्हें क्या लगा? पापा नकली गोला चला रहे थे वहाँ पे? अच्छा यो बात है? फिर तो यो प्रपोजल कंसीडर करना ही पड़ेगा। बाबू ही मोटे रप ये ले रहा है तेरा। प्यार तू करे है, ऊपर ते मैं ही मांगलिक और तू भी मांगलिक। देखते हैं क्या बनता है। एक सेकंड, मैं मांगलिक नहीं, तुम मांगलिक हो। भाई यो आदमी ना सुधरे, प्रणर कितने झूठ बोल रखे इन्हे। कैसी रोलर कोस्टर जैसी थी ना ये पूरी लॉकडाउन की जर्नी। मुझे पता है मैंने बहुत सारे झूठ बोले और काफी सारी गलतियां की, बट आई होप अब तुम समझ गई हो कि मैंने जो कुछ भी किया वो मतलब, क्या तुम हमेशा के लिए लॉकडाउन होना चाहोगी मेरे साथ इसी घर में? क्यों? क्योंकि ये घर तो अब प्रधान अंकल ने खरीद लिया है ना। मतलब एग्जैक्टली ये घर नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब सब जहां भी हम हैं। अता पता ना जमानेगा बस तुझको हर पल ढूंढ रहा, बुद्धू बात न मानेगा बस अपनी धुन में मगन रहे, जो इसको रोक न जाओ तो सब हाथ पकड़ बस यही कहे। भाई 100 कमीने मरे होंगे तब अवतार लिया होगा तूने। भाई वैसे लेवल तो अब आपने भी काफी सही अचीव कर लिया है। अजी आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है सरकार। अरे बुद्धू सा दिल मेरा थोड़ा सा सर फिरा, क्या चाहता भला न जानते बता तेरे रास्ते। और गेम गेम में अगली की सांसें रुकवा दी तूने लिफ्ट में। अबे पागल है क्या, बताया तो था तुझे वो एलसीडी डाउन हो गई थी लोड की वजह से, मैंने थोड़ी ना रोकी थी लिफ्ट। अच्छा जी, अब बोल दे पीटर को भी तूने नहीं बुलाया और ये घर वाले भी तूने नहीं बुलाए। इसमें बोलना क्या है, हाँ मैंने नहीं बुलाए। पर चूतिया किसी और को बनाई हो साले, मैं जानता नहीं हूँ क्या तुझे। अबे भाई सच में माननी, अरे माँ कसम, अबे तेरी कसम आकांक्षा की कसम, मैंने नहीं किया ये सब। तो ये सब किसने करा? पापा बोला कहाँ है? कह रहा था कुछ काम मैं निपटा के आऊंगा। आपने पूछा नहीं कहाँ जा रहा है? हिम्मत ही नहीं हुई बेटा। मुझे तो लगा तू पीटर का चूतिया काट के निकल गया। बस इतने से? दो दो गोलियां खाई हैं। 6 महीने तक खुद से पेशाब नहीं जा सकता पीटर, जान का खतरा भी था। ओके मुंह बंद रखियो। अब जाने से पहले ये तो बता दे इतना रंडी रोना क्यों मचवाया तूने? मतलब डायन भी साथ घर छोड़ देती है, तूने तो उस दिन लिफ्ट में अपनी ही बहन को मारने का इंतजाम कर दिया था। नहीं, एंग्जायटी अटैक्स ड्यू टू क्लॉस्ट्रोफोबिया कैन नॉट किल अ पर्सन डायरेक्टली, पर्सन में फील देयर हार्ट इज रेसिंग, दे कैन नॉट ब्रीथ एंड दे मे फॉल अनकॉन्शियस ड्यू टू दिस। बट इट कैन नॉट किल देम डायरेक्टली। अबे ये तो बता ये सब तूने किया क्यों? ये क्या है? सूखी रोटी खाऊं मैं?
क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते। यार वो तेरे से ही करता है। ये बात तू मुझे फोन पे भी बता सकता था ना? जरा सा भी फील नहीं करता मैं तुम्हारे लिए। मेरी माँ को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला और मैं नहीं चाहता था मेरी माँ ने जिंदगी भर जो सहा वो मेरी बहन भी सहे। बहन जब वो कह रहा है कि वो तुझसे प्यार ही नहीं करता तो तू क्यों जबरदस्ती कर रही है? तू ना ज्यादा दिमाग मत चला, चल काम कर अपना। मैं पापा को हमारा दिल्ली वाला सीक्रेट बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू पापा को कुछ नहीं बताएगा। अगर तूने कुछ भी बताया ना तो मैं अपनी जान दे दूँ। नहीं, शिवम आकांक्षा से प्यार करता है और मेरी बहन के सिर में उसकी जिद सवार थी। सुनो, ऐसे में मुझे एक ही रास्ता दिखा। की है? तुम्हारी जिंदगी में अभी कोई लड़की है क्या? पर धर्म ने मुझसे झूठ बोला। क्यों? एक सलूशन बताऊं, अनारकली को सलीम से सेट करवा दो, तभी मजनू लैला पर फोकस कर पाएगा। या मजनू गान घिसे जा रहा लैला के पीछे, अगली कैरियर फील ही नहीं करती। अरे पीटर भैया, आप वापस कब आए? कौन पीटर? भोला नाम है मेरा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हमको लगा पीटर भैया। कहना आपकी उनकी शक्ल बड़ी मैच करती है, एकदम डिट्टो सेम। कौन है ये पीटर? बड़े तेज आदमी है। आपको पता है पिछले बार ना ऊपर वाले शिवम भैया की ना गांड मार दिए थे, पूरे घर में कैमरा फिट करवाए थे, हम ही खुद सेट किए थे। नंबर है तुम्हारे पास उसका? तू तो अलग अलग कपल्स की लव स्टोरी क्या देख रहा है? शक्ल भी होनी चाहिए इसी। सॉरी बहन, ऐसे ही थोड़ी मजनू के प्यार की मिसालें देते हैं दुनिया। पर अनारकली भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। हाँ मैं दिल्ली के सरकारी अस्पताल से बोल रहा हूँ, यहाँ कोरोना की फ्री में वैक्सीन लग रही है, जल्दी से आके लगवा लो। आवाज मैंने कहीं सुनी है? सबको जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, लेकिन मेरी माँ मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। अच्छा तेरी माँ से याद आया, जोसेफ अंकल बता रहे थे कि घूंघट के पीछे कुछ खतरनाक चीज है, जरा हमें भी दर्शन कराओ, फोटो वोटो है तो। अरे हमसे कैसी शर्म। अरे मजाक कर रहा था, तेरी माँ मेरी माँ, बिट शॉट उठा तो दे, वापिस कैसे जाऊंगा मैं? बोला दल्ले, साले सुअर, साले। Hey guys, what is up? एक घंटे का वीडियो YouTube पे पूरा देख लिया तुमने? चलो सही है, अच्छा है, हम भी अब मोटिवेट हो रहे हैं कि आगे और लंबे वीडियोस बनाएं, मतलब पूरी फिल्म ही बनाएं अब निकल के घर से बाहर। 6 महीने से लगे हुए हैं हम इसके ऊपर और आज जाके हमारा ये 4th एपिसोड ख़त्म हुआ है। बेसिकली 2 सीज़न ख़त्म हुए हैं लॉकडाउन विद माई क्रश के और ये आखिरी एपिसोड था, अब इसके बाद नहीं बनाएंगे। मतलब बना भी सकते हैं अगर तुम कमेंट। चलो ये सब बातें हम BTS के अंदर करेंगे, तो अभी जाके दूसरा वाला चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कर लो, BTS आएगा थोड़े दिन में उसके ऊपर। और जाने से पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। पहली, इंस्टाग्राम का लिंक है पूरी टीम का डिस्क्रिप्शन में, सबको जाके फॉलो करो, सबको अप्रिशिएट करो इस वेब सीरीज़ के अंदर, जिसका जो काम पसंद आया वो उसको जाके बताओ। इसके पैसे दिए इन सब ने मुझे बोलने के। और दूसरी बात, अभी जाके डिस्क्रिप्शन लिंक से विंजो ऐप डाउनलोड करो, इस पर 70+ गेम्स हैं जिन्हें खेल के आप पैसे भी कमा सकते हो। रियली बिग बिग शाउट आउट टू विंजो, क्योंकि उन्होंने हम पे बिलीव किया कि 1 घंटे की वीडियो भी यूट्यूब पे बनाना पॉसिबल है। जल्दी मिलते हैं BTS पे।